अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लिमिट पॉइंट मैंने आपको सिखाया, लिमिट पॉइंट के साथ ही मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना क्वेश्चंस में सिखाऊंगी कैसे लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं मुख्तलिफ मैट्रिक्स स्पेसेस के अंडर डिफरेंट सेट्स। क्योंकि मैट्रिक्स स्पेसेस भी आपको पता है, हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की थी। मुख्तलिफ मैट्रिक्स स्पेसेस मुख्तलिफ सेट्स होते हैं जो मैट्रिक्स स्पेस बनाते हैं। उन मुख्तलिफ मैट्रिक्स स्पेसेस के साथ मुख्तलिफ उनके सबसेट्स होते हैं जिनके आपने लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आता है पेपर्स में कि ए आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट है और जो आपके पास मैट्रिक यूज़ हो रही है वो आपके पास यूजुअल मैट्रिक है और जो आपके पास सेट है वो रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है जी, तो ये आपके पास मैट्रिक स्पेस है, यूजुअल मैट्रिक से हम वाकिफ़ हैं, रियल स्पेस से हम वाकिफ़ हैं और साथ ही ये उसके अंदर एक सेट आपके पास दिया गया है ए। ए को ज़रा गौर से देख लें कि ए कैसा सेट है। ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, ए के अंदर 1, 1/2, 1/3 एंड सो। अब इसको हम चेक करते हैं कि इसके लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स इसके लिमिट पॉइंट होते हैं। जैसे कि बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि जब आप लिमिट पॉइंट चेक करती हैं तो लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए आपको टोटल जो स्पेस आपकी होती है मैट्रिक्स स्पेस, उस मैट्रिक्स स्पेस में से कोई भी एलिमेंट उस सेट का लिमिट पॉइंट बन सकता है। यानी कि वो एलिमेंट्स जो इस सेट के अंदर हैं वो भी इसके लिमिट पॉइंट बन सकते हैं और जो इस सेट के बाहर हैं वो भी लिमिट पॉइंट बन सकते हैं। अगर हम इसे रफली ड्रॉ करें तो ऐसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये आपके पास टोटल स्पेस आपकी एक्स इस वक्त आर है और इसके अंदर ये सेट ए मौजूद है, तो ए के जब आप लिमिट पॉइंट्स चेक करेंगे तो लिमिट पॉइंट ए के अपने एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और ए के बाहर से भी हो सकते हैं। इसलिए जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम रैंडमली एक्स कैपिटल एक्स में से यानी कि आर में से सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, फिलहाल हमारे पास जो टोटल स्पेस है वो हमारे पास नंबर लाइन की स्पेस है। तो नंबर लाइन को समझने के लिए आप इसे ड्रॉ करें, 0 -∞ + ∞। अब ये जो हमारा सेट है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये सेट है कहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 है, मैं ज़रा इसे बड़ा सा गैप करके दिखाती हूँ, ये 1 है। आगे जाके आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3 एंड सो, ये आपको एरो दिखा रहा है कि ये आपका सिस्टम चलता जा रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे -1, इसी तरह से -2 एंड सो, ये सिस्टम जा रहा है। अच्छा जी, आप इस ये देखें, आपका ये पहला एलिमेंट है 1, इसको थोड़ा मैं डार्क कर दूँ, ठीक है जी, ये इस सेट का हिस्सा है। उसके बाद इसका जो अगला एलिमेंट है वो 1/2 है। अब आप नंबर लाइन पे देखें 1/2 आपका कहाँ आता है, 1/2 स्टैंड्स फॉर 0.5। तो 1/2 जो है वो आपका यहाँ, इसको मैं थोड़ा लंबा कर दूँ, ये है जी आपका 1/2। उसके बाद अगला एलिमेंट है 1/3, 1/3 मीन 0.33, तो ये है आपका 0.5 और अगला एलिमेंट जो है वो 0.33 है जो इससे पीछे है। और इससे पीछे जस्ट पीछे नहीं है बल्कि गैप के साथ, ज़ाहिर है 0.3 यहाँ का, यहाँ कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास 1/3 है और इसको आप लिखेंगी, इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर लें, 0.33, ठीक है जी। और इसी तरह से अगला जो एलिमेंट होगा वो 1/4 होगा और फिर 1/5 एंड सो ऑन, 0.2 एंड सो, ये कर कर आके। अब आप ये देखेंगे आपके पास 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता जा रहा है और यहाँ है 3 डॉट्स, यानी कि ये सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा। ये सेट आपके पास एक इन्फिनिट सेट है। अब इन्फिनिट सेट में मैक्सिमम क्या होगा कि आपके पास जो लास्ट फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैक्शन है वो उसमें, आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो फ्रैक्शंस हैं फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स में नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपके पास डिनोमिनेटर में ऊपर सबके न्यूमरेटर में 1 फिक्स है, डिनोमिनेटर में नंबर जितना बढ़ता जाता है उतना ही नंबर फ्रैक्शन का टोटल आंसर आपके पास कम होता जाता है, ठीक है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हम सेट में आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली में जब उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन पे उस सेट की हकीकत क्या है, उतना ही हम 1 से बैक 0 की तरफ जा रहे हैं। तो आप 0.33, 0.2, 0.1, 0.001 एंड करते 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 अब आप ये सोचें कि इसका लास्ट नंबर मैक्सिमम क्या हो सकता है। इसका लास्ट नंबर मैक्सिमम एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो जो भी नंबर होगा वो वेरी नियरली अप्रोचिंग टू ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना नंबर आपका बढ़ता जाएगा, देखिए आप उतना ही ज़ीरो की तरफ मूव करते जा रहे हैं। आपका हर आने वाला नंबर जो है इस सेट का उतना ही ज़ीरो की तरफ मूव कर रहा है।
तो आपका ये सीन है कि आप इसमें इस सेट के अंदर आपको बाहर तो ये इन्फिनिट सेट लग रहा है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारी नंबर लाइन जो है वो नंबर लाइन में आपके पास ये जो गैप्स होते हैं फॉर एग्जांपल 0 और 1 के दरमियान का जो गैप है बाहर आपको एक छोटा सा गैप नज़र आता है, लेकिन बेसिकली इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये आपका जो इन्फिनिट सेट है ये इस छोटे से गैप के अंदर जो है वो समाया हुआ है। तो आपके ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा आगे जाते जाते ये देखें आपका 1 और इसके फर्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान काफ़ी बड़ा गैप है, 1 और 1/2 के दरमियान काफ़ी बड़ा गैप है। उसके बाद आपने देखा 1/2 और 1/3 के दरमियान गैप थोड़ा कम हो गया, 1/3 और 1/4 के दरमियान गैप और कम हो जाएगा, 1/4 और 1/5 एंड 1/6 एंड सो ऑन करते करते आगे जाके जो कंजेक्टिव इस सेट की कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो गैप्स हैं वो कम होते जाएंगे और ये नंबर्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली आपके अप्रोच करेंगे 0 को। एग्जैक्ट 0 कभी भी आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट 0 तो तब आंसर आता है जब आपके पास किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 0 हो जाए, और न्यूमरेटर यहाँ किसी फ्रैक्शन में आपके पास 0 नहीं होना, आपके पास हर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 पड़ा हुआ है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा उतना आंसर छोटा होता जाएगा और वो उतना छोटा आंसर अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचिंग टू 0 होगा, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। सो आपके पास आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 के करीब पहुँच के ये पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि ये तकरीबन 0 और इन पॉइंट्स के दरमियान हमें फ़र्क कोई महसूस नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में वो 0 नहीं है, 0 के बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं। अब होना क्या है, अब होना ये है कि आपको जी फाइंड आउट करने हैं इसके लिमिट पॉइंट्स। अब लिमिट पॉइंट्स जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे मैंने समझाया था कि सबसे पहले आपने सेट के अपने पॉइंट्स को वो क्राइटेरिया सेट करना है लिमिट पॉइंट्स का। आपने क्या करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू चेक 1 एज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, तो आपने 1 को सेंटर मान के एक ओपन सर्कल ओपन स्फीयर बनाना है। ओपन स्फीयर कोई एक ओपन स्फीयर नहीं, ऑल पॉसिबल रेडियसेस के ओपन स्फीयर्स बनाने हैं, उन सब का अगर इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आए और तो आपके पास आप कह सकते हैं कि 1 जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है। अब जब हम नंबर लाइन में यूजुअल मेट्रिक के अंदर बात करते हैं अपने ओपन स्फीयर्स की, तो ओपन स्फीयर्स का मतलब हमेशा आप समझा करें कि रियल लाइन यूजुअल मेट्रिक में उसका मतलब होता है ओपन इंटरवल्स। अब जब 1 को अंडरस्टूड बात है, यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं 1 को सेंटर माने और 1 को सेंटर मान के आप मुख्तलिफ रेडियसेस के ओपन वो बनाएं इंटरवल्स बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा ओपन इंटरवल बनाती हूँ मैं छोटे से लेकर बड़े तक, ये छोटे रेडियस का ओपन इंटरवल बनाया और ऑल पॉसिबल जो आप ओपन इंटरवल्स बनाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप बनाते चले जा रहे हैं, ये देखिए ये आप बनाते चले जा रहे हैं। 1 को सेंटर मान के आपने हर पॉसिबल रेडियस के ओपन वो बनाए ओपन इंटरवल्स बनाए, लेकिन इनमें जो सबसे छोटा फॉर एग्ज़ाम्पल है जैसे ये ओपन इंटरवल है जो सबसे छोटे रेडियस का फ़िलहाल जिसको जो 1 को सेंटर मान के मैंने बनाया, इसका रेडियस देखिए कितना छोटा सा। अब ये जो आपके पास ओपन इंटरवल आपने बनाया है इसको मैं ऐसे लिखूँगी, इसका नाम रख देते हैं, इसका रेडियस फॉर एग्ज़ाम्पल आर है, इसका सेंटर जो है वो 1 पे है और ये है तो ओपन इंटरवल, लेकिन बेसिकली ओपन इंटरवल यहाँ पे कहलाता है ओपन स्फीयर। तो ओपन स्फीयर या ओपन बॉल जो है आप इसको ये देखें इसका इंटरसेक्शन लें ज़रा ए सेट के साथ, आपके पास आंसर क्या आता है। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये देखें ये जो छोटा सा इंटरवल है इस इंटरवल में 1 के अलावा ये जितना पोर्शन है और ये जितना पोर्शन है ये दोनों पोर्शंस जो हैं इनमें पाए जाने वाले कोई पॉइंट भी ए में मौजूद नहीं है, बिकॉज ए के अंदर तो 1 मौजूद है और 1 के बाद अगला एलिमेंट 0.5 है यानी कि 1/2 है और उसके बाद 1/3 और हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद कोई पॉइंट भी आपके पास ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो जब आप इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगी तो आपके पास आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ये देखें आपके पास आंसर में आता है सिर्फ और सिर्फ एक्स पॉइंट। एक्स पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्स पॉइंट मींस 1 यानी कि आपके पास आंसर में आता है सिर्फ 1।
और आपने क्या करना होता है, जिस पॉइंट को इस वक्त हम वन को ही लिमिट पॉइंट के तौर पे चूंकि चेक कर रहे हैं, तो आपने इस जो भी आंसर आता है उस आंसर में से वन को माइनस कर देना है, यानी कि उस लिमिट पॉइंट को माइनस कर देना, जो लिमिट पॉइंट बनने जा रहा है एक्स उसको माइनस कर देना। जब आप माइनस करती हैं तो आपके पास फाई आता है। तो देखिए आपको, जैसे मैंने आप स्टार्ट जब डेफिनेशन समझा रही थी तो मैंने कहा था कि जिसने लिमिट पॉइंट बनना होता है जिस एलिमेंट ने, उसके ऊपर वो कंडीशन फॉर ऑल रेडियसेस प्रूव होनी चाहिए, लेकिन जिसको नेगेट करना होता है उसके लिए कोई एक ऐसा ओपन स्फीयर हमें मिल जाए जो उस कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो वो काफ़ी है, हम किसी और रेडियस के लिए उसे चेक नहीं करेंगे। तो ये देखिए, जो सबसे छोटे रेडियस का आपके पास ओपन इंटरवल था, वो ओपन इंटरवल आपके पास इंटरसेक्शन एम्प्टी दे रहा है। इट्स मीन टू बी दिस कि वन इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए। यहाँ मैं लिखूँगी वन इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए। ठीक है जी, यही काम आप अप्लाई करें पॉइंट फाइव के साथ। 0.5 1/2 इज़ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेट ए। अब ये जो सेकेंड एलिमेंट आपके पास आया है, इसको चेक करते हैं कि क्या ये एलिमेंट भी हमारे ए सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अब 0.5 यहाँ पे को सेंटर मान के आप छोटे से रेडियस का एक ओपन बॉल या ओपन इंटरवल बनाएं। ये देखें आप, मैंने बना लिया एक छोटा सा ओपन इंटरवल बना लिया। ये जो ओपन इंटरवल है आपको नज़र आ रहा है कि ये ओपन इंटरवल देखें 1/2 और 1/3 के दरमियान है, और यहाँ 1/2 और 1/3 के दरमियान कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जो है जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगी उसके साथ ए के साथ एम्प्टी देगा। अब इसको आप इस ओपन इंटरवल को नाम दे दें, इसका रेडियस रख लें आर वन, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रेडियस आर वन है, इसको कह देते हैं इसका नाम है एस आर वन, और इसका सेंटर जो है वो 1/2 हमने रखा। ठीक है, तो इस ओपन स्फीयर जिसका रेडियस आर प्राइम है और इसका सेंटर 1/2 है, इसका जब आप इंटरसेक्शन ए के साथ लेती हैं तो आपके पास आंसर में सिवाय 1/2 के और कुछ नहीं आता। और 1/2 जो तो एज अ लिमिट पॉइंट चेक हो रहा है, तो 1/2 जिसको चेक कर रहे हो तो उसको इग्नोर करें। इग्नोर करने के बाद आपके पास आंसर फाइव आता है। तो 1/2 इज़ अगेन नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए। यही काम आप 1/3 के साथ कर सकते हैं। आप अपना रेडियस छोटा सेलेक्ट कर लें और छोटा कर लें, ठीक है, आप अपने इंटरवल का रेडियस जितना छोटा सेलेक्ट कर लेंगे उतनी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप ये देखें, इनको मैं कहती हूँ ये सेट्स ऐसे हैं जिनके दरमियान गैप्स हैं। बिज़ाहिर 1/2 और 1/3 के दरमियान आपको छोटा सा गैप लग रहा है, लेकिन ये बहुत इन्फिनिट गैप है, इसको इन्फिनिट गैप कहते हैं। इसी तरह से इस सेट में पाए जाने वाले हर दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स के दरमियान इन्फिनिट गैप मौजूद है, और वही इन्फिनिट गैप जो है वो इस बात को की रीज़न बनेगा कि इस सेट में पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो गैप है उसी गैप के अंदर अगर एक इंटरवल बना लेंगे उस गैप का, तो हमारे पास वो इंटरवल जो है वो एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा और फाइनली आपके पास आंसर जो है वो फाई आएगा। फाई आने की वजह से आपका ये सेट अपने किसी एलिमेंट को एज अ लिमिट पॉइंट नहीं रखता, यानी कि इसका कोई पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता। अच्छा जी, दूसरा पार्ट आता है। मैंने आपसे कहा था कि सेट के अंदर के एलिमेंट्स को भी चेक करना होता है और सेट के बाहर के एलिमेंट्स को भी चेक करना होता है। अब बाहर के एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। बाहर के एलिमेंट्स मीन जो यहाँ पड़े हुए, या आप इस नंबर लाइन के ऊपर चेक कर लें। तो इस नंबर लाइन के ऊपर मैं ये नंबर लाइन ना दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ आपको, ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। ये केस वन था जिसमें हम सेट के अपने अंदर के एलिमेंट्स को चेक कर रहे थे। अब केस टू है जिसमें हम सेट के बाहर के एलिमेंट्स को चेक करने लगे हैं। ये देखिए आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये ज़ीरो पड़ा हुआ है, ये आपके पास वन है, ये आपके पास 1/2 है, ये आपके पास 1/3 है, 3 है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ करते करते ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सारे ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये देखें, बाहर पड़े हुए जो पॉइंट्स हैं उनमें बेतहाशा पॉइंट्स हैं, मतलब ये पूरी लेफ्ट साइड की नेगेटिव नंबर्स हैं, आप इनको लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक कर सकते हैं। और वन के राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 2 हैं, सो ये जितने नंबर्स हैं इन सबको लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सब के सब वन के राइट पे, जिसको मैं इस तरह से शेड कर रही हूँ अप टू इन्फिनिटी, और ज़ीरो के लेफ्ट पे जिसको मैं इस तरह से शेड कर रही हूँ अप टू इन्फिनिटी, ये सारे पॉइंट्स
एक ही लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर वही बात ट्रू है जो बात आपकी वन के लिए ट्रू थी, जो लॉजिक मैंने वन के लिए इस्तेमाल की, वन बाई टू के लिए इस्तेमाल की, वन बाई थ्री के लिए इस्तेमाल की, वही लॉजिक इनके ऊपर ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ, माइनस वन के ऊपर एक स्मॉल रेडियस का मैं इस तरह से एक ओपन इंटरवल बना लेती हूँ। तो ये ओपन इंटरवल का ये जो पोर्शन है, ये बल्कि पूरे का पूरा ओपन इंटरवल का जब आप इंटरसेक्शन ए के साथ लेती हैं, ना माइनस वन ए के अंदर मौजूद है और ना ही माइनस वन के लेफ्ट और राइट पे कोई नंबर ए के अंदर मौजूद है। तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगी तो आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास एम्प्टी आएगा, जिसकी वजह से ये माइनस वन, इसी तरह से माइनस टू एंड माइनस थ्री एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स जो हैं वो एम्प्टी इंटरसेक्शन देंगे। छोटे से कोई एक ओपन इंटरवल अगर एम्प्टी देगा तो इट्स मीन कि ये आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, और यही बात इस शेडेड पोर्शन के लिए ट्रू है। अब सिर्फ बच गया आपके पास ज़ीरो, ज़ीरो को चेक करना है। ज़ीरो को जब आप सेंटर मानती हैं और सेंटर मान के एक छोटे से रेडियस का एक ओपन बॉल, ओपन इंटरवल बनाती हैं, फॉर एग्जांपल छोटे से रेडियस का बनाएं, चाहे आप छोटे से रेडियस का बनाएं चाहे आप बड़े रेडियस का बनाएं, बड़े रेडियस का तो ओके हो जाएगा, बड़े रेडियस का अगर आप बनाती हैं तो वो राइट हैंड साइड पे पाए जाने वाले ए के बहुत से एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, और जब फाइनली आप उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगी तो आपके पास नॉन एम्प्टी आंसर आ ही जाएगा। लेकिन हम छोटे रेडियस की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, आप इसके अबाउट किसी भी रेडियस का, फॉर एग्जांपल ये छोटे से रेडियस का एक ओपन बॉल बनाएं, ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल का जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है जो नेगेटिव साइड पे जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन जो है वो आपका ए के साथ ए में नहीं है, क्योंकि ए जो है वो ज़ीरो के राइट पे मौजूद है, जबकि इसका राइट वाला जो पोर्शन है इसमें कुछ एलिमेंट्स आपके पास ज़रूर ऐसे आएंगे इस ओपन बॉल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर, ये राइट हैंड साइड पे थोड़े बहुत एलिमेंट्स आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो ए के साथ इंटरसेक्शन देने से नॉन एम्प्टी आंसर देंगे। ठीक है, वो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैंने जो स्टार्ट में आपको बहुत डिटेल से समझाया कि आपका वन जो है, ये जो एक एक के अंदर एलिमेंट्स हैं वो वन से शुरू होते हैं और लीड, ये जो अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को, ज़ीरो के पास जाके ये ज़ीरो के बहुत क्लोज होते हैं, और ज़ीरो के कितने क्लोज होते हैं, क्योंकि ये नंबर इन्फिनिट है तो ये इन्फिनिट है, ज़ीरो के बहुत क्लोज पहुँचाते हैं। इवन कि छोटे से छोटा रेडियस ज़ीरो को सेंटर मान के अगर मैं बनाऊँ तो वो स्मॉल रेडियस भी कोई ना कोई एक, ये कम अज़ कम एक एलिमेंट को ज़रूर अपने अंदर कंटेन करेगा, जिसकी वजह से आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आएगा। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आने की वजह से ज़ीरो जो है आपके सेट ए का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखा कि किसी पॉइंट को किसी सेट का लिमिट पॉइंट बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट उस सेट का हिस्सा हो। जैसे इस सेट के अंदर, ए सेट के अंदर आपके पास ज़ीरो मौजूद नहीं है, ज़ीरो इस सेट से बाहर है, लेकिन ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट बन गया। सो ये बात आपने प्रैक्टिकली देख ली कि किसी सेट के लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि उस सेट के अंदर हो, उस सेट के बाहर भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी आज की। एग्जांपल फ़िलहाल इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतने ही काफ़ी है, और भी मैं आपको यूजुअल मेट्रिक के अंदर ही रहते हुए और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में भेजती हूँ। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।